हेलो फ्रेंड वेलकम टू दू माई यूट्यूब चैनल बाई मैंट बाइट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सेंस ऑफ गैसेस इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए क्या इसका पैटर्न रहता है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन की भी है दी फिगर्स ए डाइग्रामेटिक व्यू ऑफ हुमन रेस्पायरेटरी सिस्टम विद लेबल्स ए बी सी एंड डी सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मैन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर हमारे पास क्या है हुमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का यहाँ पर डाइग्राम है इसके बेस पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर एलबुलाइए जो कि क्या होती है थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग होती है जो कि जिसका कार्य जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों के विनिमयकरण के लिए यूज होता है तो ए इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लंग्स आर इंक्लोज इन लंग्स किस में इनक्लोज होते हैं यानी लंग्स को कवर करने वाली मैमब्रेन जो होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम पिलुरल मैम्ब्रेन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा डी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेशन इन जो स्किन जो होती है वो एक एसेसरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है किसमें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉग जो होता है मेंढक जो होता है उसमें स्किन जो होती है एसेसरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ने यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स डेट ऑकर ड्यूरिंग डूरिंग इंस्पायरेशन यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान कौन सा करेक्ट इवेंट है जो तो कि इंस्पायरेशन के दौरान होता है तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ़ डाइफ्राम सेकेंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और थ्री यहाँ पर पल्मोनरी वैल्यूम डिक्रीज एंड फोर्थ यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए जो इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है यानी जो अंतः श्वसन की प्रोसेस है उसमें कौन कौन से इवेंट्स है होते हैं वो सारे पते होने चाहिए तब जाके हम इसका आंसर देंगे तो याद रखना सबसे पहले जो इंस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या होता है जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो क्या करती है रिलैक्स करती है देन उसके बाद क्या होता है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो क्या करती है कॉन्ट्रैक्शन यानी यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है देन उसके बाद होता है रिपकेश मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो रिपकेश जो होता है वो क्या करता है अपवर्ड होता है यानी मूव अपवर्ड की तरह मूव करता है एंड आउटवर्ड देन उसके बाद क्या होता है जो डाइफ्राम जो होता है वो करता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है देन उसके बाद क्या होता है जो थॉरक्स कैविटी जो होती है उसका वेल्यूम क्या होता है इंक्रीज जैसे ही वेल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर जो होगा वो होगा डिक्रीज़ प्रेशर क्या होगा डिक्रीज़ होगा जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर जो है वो क्या है लंग्स के अंदर आएगी अब यहाँ पर देखिए डायफ्राम का कॉन्ट्रक्शन होता है उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है उनका कॉन्ट्रक्शन होता है और वैल्यूम जो होता है यानी पलमरी जो पलमोनरी जो वैल्यूम जो होता है वो क्या करता है इंक्रीज करता है क्या करता है इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है तो ये वाले इवेंट इसमें घटित नहीं होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड ये वाले इवेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ए इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम ऑफ एन एथलीट इज़ 500 हंड्रेड एम एल एंड वन थाउजेंड एम एल रेस्पेक्टोली वाट विल बी हीज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ़ द रेसिडल वैल्यूम इज ट्वेल्व हंड्रेड एम एल तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज द राइट आंसर बिकॉज हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी ई सी हमारे पास पूछा है तो ई सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास टी बी यानी टाइडल वैल्यूम प्लस ई आर बी यानी ई आर बी एक्सपायरटरी रिजल्ट तो टी भी हमारे पास गिबिन है यहाँ पर 500 एंड ई आर भी हमारे पास गिबिन है 1000 तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1500 तो बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज दी राइट आंसर इंट्रा इंट्रापलरी प्रेशर इज लोअर देन दी एटमोस्फेरिक प्रेशर डूरिंग इंस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन के दौरान जो इंट्रा इंट्रापलमरी जो प्रेशर जो होता है वो कम होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच दी आइटम्स गिविन इन कॉलम फर्स्ट बी दूस इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविन वेलो हमें यहाँ पर गए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है तो फर्स्ट यहाँ पर टाइडल वेल्यूम जो टाइडल वैल्यूम होता है वो होता है यहाँ पर 500 से 550 हंड्रेड तो यहाँ पर जो एम होगा वो होगा थर्ड से बी यहाँ पर है इंस्पायरटरी रिजर्व वैल्यूम यानी आई जिसका मान होता है 2500 फाइव से 30 एम एल थर्टी हंड्रेड एम तो यहाँ पर बी वाला मैच होगा फर्स्ट से सी यहाँ पर है ई आर बी एक्सपायरटरी रिजर्व वैलूम जिसका मान होता है ये वाला 1000 से एलेवन हंड्रेड और यहाँ पर रेसिडल वेल्यूम जिसका मान होता है यहाँ पर ये वाला यानी कि एलेवन हंड्रेड से ट्वेल्व हंड्रेड तो ए मैच है यहाँ पर थर्ड से और बी वाला मैच है यहाँ पर किस से फर्स्ट वाले से तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लंग्स आर मेड अप ऑफ एफ एयरफील्ड सेक्स दल्बिलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेसिडेंट वेल्यूम तो डी इज दी राइट आंसर क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लंग्स नॉट बिटवीन ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सप्लेट बिकॉज तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दियर इज ए नेगेटिव इंट्रा पिलोर प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज दी राइट right आंसर क्या होगा बी इज दी राइट आंसर जो इंट्रा पिलोर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है जो पिलोलर कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम इंट्रा पिलोलर प्रेशर जो कि ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव होता है तो बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाई मेकिंग ए कॉन्शिशियस एफर्ट तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज द राइट आंसर वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेशियन टू बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब हम सांस लेने के संदर्भ में सांस लेने के संदर्भ में यदि हम जानबूझकर उसको रोके यानी सांस को रोकने की कोशिश करें तो जो एयर जो है एयर जो है कहाँ से निकल सकती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेचियंस टू बाई क्लोजिंग both nose एंड माउथ तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिबिन है यहाँ पर हमारे पास गिबिन है कि रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ एंड रेस्पायरेटरी वैल्यूम और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है बिच ऑफ the फॉलोइंग इज the करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वैल्यूम तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सी इज द राइट आंसर यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है इसका जो मान जो होता है वो होता है थ्री थाउजेंड से थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक तो यहाँ पर देखिए यानी पैंतीस सौ तीस साढ़े तीन हज़ार से लेकर यानी तीन हज़ार से साढ़े तीन हज़ार के मध्य इसका मान क्या होता है इंस्पायटरी कैपेसिटी यानी आईसी का और फर्स्ट यहाँ पर दिया रेसिडल वैल्यू तो इसका जो मान होता है वो होता है इलेवन हंड्रेड से ट्वेल्व हंड्रेड तो फर्स्ट यहाँ पर वे क्या कि ट्वेल्व हंड्रेड यहाँ पर दिया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है और लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी हो क्या होती है तो वाइटल कैपेसिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वाइटल वाइटल जो कैपेसिटी है वो होती है टी बी प्लस आई आर बी प्लस ई आर बी यानी जो बी सी जो होती है इसको बोलते हैं हम टी बी प्लस आई आर बी प्लस ई आर बी ई आर बी इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं और इसके साथ साथ जो वाइटल कैपेसिटी है और जो यहाँ पर टी एल सी यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है उसमें इस प्रकार से रिलेशन होता है टी एल सी ये टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू होता है बी सी प्लस आर बी क्या होता है बी सी प्लस आर बी यानी कि टी एल सी टोटल लंग्स कैपेसिटी ये क्या होता है बी सी यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस आर बी यानी रेसीटल वॉल्यूम तो यदि हम बी सी हमारे पास चाहिए तो बी सी में से हमारे पास क्या होगा बी सी इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा टी एल सी माइनस आर बी टी एल सी माइनस आर बी यानी यदि हम टोटल लंग्स कैपेसिटी में से रेसिडल वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज़ दी राइट आंसर टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडल वॉल्यूम वो क्या होती है वाइटल कैपेसिटी होती है तो जैव क्षमता होती है तो बी इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो यहां पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज द राइट आंसर द रेसिडल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द इफिशंसी ऑफ रेस्पायरेशन इन मेमल्स तो बी इज द राइट आंसर ये यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, है यहाँ पर वेन 15 एम एल एयर इज द लंग्स इट इज काल्ड यानी लंग्स में जब इतनी एयर होगी यानी 1500 हंड्रेड के लगभग एयर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेसिडल वैल्यूम बिकॉज सामान्य रूप से हम बात करें रेसिडल वैल्यूम की उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1100 से लेकर 1200 तक तो यहाँ पर ये जो 15 ml 1500 ml एम जो दिया है तो यहाँ ये रेसिडल वैल्यूम के आसपास से बाकी जो हैं यहाँ पर यदि इसके इसकी बात करें हम इंस्पायरेटरी रिजल्ट वैलूम तो इसका जो मान होता है वो होता है 2500 से लेकर ले 3000 तक कितना होता है 2500 से लेकर 3000 तक और वाइटल कैपेसिटी का होता है 4000 से लेकर साढ़े चार हज़ार तक और टाइडल वॉल्यूम का होता है पाँच सौ से लेकर साढ़े पाँच सौ तो यहाँ पर जो फिफ्टीन एम फिफ्टीन हंड्रेड जो एम एल है ये यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडल वॉल्यूम ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मेमल्स आर गवर्नेड बाई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी डाइफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स तो डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन मैन एंड मेमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इन टू लंग्स थ्रू तो यहाँ पर हमें पता है जो एयर का जो मार्ग जो होता है वो अंदर बाहर से अंदर की ओर किस प्रकार से होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा डी इज द राइट आंसर सबसे पहले होगा यहाँ पर नसल कैविटी देन फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंची ब्रॉन्क्योल्स एंड एलोवेलाइ तो डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलबुलाई ऑफ द लंग्स इन यानी कि जो ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का जो पार्सल प्रेशर होता है एलबुलाई में वो कितना होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मोर देन डेट इन द ब्लड यानी ब्लड में जितना होता है उससे ज़्यादा होता है कि जितना ब्लड में होता है उससे ज़्यादा होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज द राइट आंसर क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दि फिगर गिबिन बिलो सोस ए स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस सेलेक्ट ऑप्शन दिच रिप्रेजेंट लेबर पार्ट ए बी सी और डी करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन का होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा एलबुलरी कैबिटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस तो बी इज द राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बिना दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एलबुलाई ऑफ दी, एल दी लंग्स टैक्स प्लेस बाई जो एल्बुलाई में जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है गैसों का जो बिना में होता है वो किसके द्वारा होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंपल डिफ्यूजन जो साधारण बिसरण जो होता है उसके द्वारा क्या होता है गैसों का एक्सचेंज होता है इन एल्बुलाई तो डी इज दी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बिना यहाँ पर इन लंग्स दी एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम दैनस ब्लड थ्रू इन जो लंग्स जो होता है उसमें जो ईयर जो है किस व्लड से किसके द्वारा सेपरेट होती है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इकोमस इपीथीलियम एंड एंडोथ थीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द एलबुलर इपीथिलियम इन दी लंग्स इज जो एल्बुलर इपीथिलियम जो होती है लंग्स में वो किस प्रकार की होती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन सीलेटेड रिलेटेड क्या होगा बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी यहाँ पर आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर रॉन्ग है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सी इज द राइट आंसर है हायर एच प्लस कंसनट्रेशन इन एलगुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमुगलिवीन तो हायर एच प्लस नहीं होने चाहिए लोअर एच प्लस होने चाहिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड बिल बी जैसे ही ब्लड का ब्लड में पीएच का मान क्या होगा रिडक्शन होगा यानी कम होगा तो क्या होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन यानी जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी थी वो क्या होगी डिक्रीज होगी क्योंकि ओ एच बी यानी एच बी और ओ टू का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए क्या चाहिए हाई तो पी ओ टू चाहिए यानी जो पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन का वो हाई होना चाहिए लो पी सी ओ टू होना चाहिए यानी जो सी ओ टू का जो पार्सल प्रेशर है वो लो होना चाहिए और लो एच प्लस और पी एच जो है वो क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन के बिन यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जोड बाई द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी लंग्स तो सेवेंटी परसेंट जो कार्बन डाईऑक्साइड वो किसके द्वारा क्या है ट्रांसपोर्ट की जाती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा एज ए बाई कार्बोनेट आयर जो बाई कार्बोनेट आयरन है उसके माध्यम से सेवेंटी परसेंट जो है सी ओ टू का ट्रांसपोर्ट होता है बाकी सेवन परसेंट क्या होता है जो सोल्यूबल डिजोल्ड प्लाज्मा में होता है और ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट जो सी ओ टू का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाई आर बी सी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेंस रिमैन इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू दिस ऑटू तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ए एक्ट एज डूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज तो क्या होगा ए इज दी राइट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज ए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए बाई कार्बोनेट प्लाज्मा एंड आरबीसी क्या होगा ए इज द राइट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर तो ये थे ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन जो कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से पूछे गए हैं इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस